justice! We want 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 justice! बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बच्ची को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सामना करना पड़ेगा कि मेरी बच्ची घर गई है या ट्यूशन गई है, फिर घर अभी तक नहीं आई कि कहीं उसके साथ भी कुछ ना हो जाए, कुछ अन्याय नहीं हो जाए, कुछ अपराध नहीं हो जाए। तो घर वाले परिवार वाले इस सोच में हमेशा पड़े रहेंगे, जब तक उनके घर वाले या उसके फैमिली के बच्चे घर नहीं आ सकते तब तक उनको हमेशा चिंता रहेगा कि मेरे घर के बच्चे गए हैं तो उनके साथ नहीं होंगे, क्या उनके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। तो मैं प्रशासन से, सरकार से बस यही अनुरोध करूंगा कि ये जो भी कांड हो रहा है, जो भी हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों के नहीं, ये पूरे समाज के विरुद्ध काम हो रहा है। अगर कोई घर में, कोई अपने घर के अंदर में सुरक्षा नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो वो बाहर कैसे सुरक्षित हो सकता है। आज महिलाएं घर से निकलने से, बहू बेटियां, घर की समाज की औरतें घर से निकलने से डरती हैं। क्यों डरती हैं? कि उनको लगता है कि मेरे साथ भी कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। कौन किसके साथ क्या कर देगा ये कहना मुश्किल है। इसके लिए प्रशासन को, पुलिस को और समाज को एक ऐसा मजबूत काम करना होगा जिससे कि ये पता चले कि नहीं, हमारी बहू बेटी बहन, समाज की जितनी औरतें हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित हैं। तो बस मेरी यही अपील रहेगी सरकार से, समाज से और कानून से कि कुछ ऐसा कड़ा कानून बनाए जिससे कि ये जो घटना घटी है, जो अपराधी काम किए हैं, उनको सोचने के लिए 100 बार सोचना पड़े कि अगर मैं ये काम करने जा रहा हूँ तो इसका मुझे, इसके बाद मुझे क्या सजा मिलेगी, मेरे क्या अनहोनी हो सकता है, उसको 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाए बस कि ये जो हुआ है ये आज के बाद से दोबारा नहीं हो जाना चाहिए। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे कि हमारे लिए, हमारे समाज को सुरक्षित करे, एक उचित न्याय व्यवस्था का अरेंजमेंट करे ताकि हम लोगों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़े। ये हमारे लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक आपकी बात है, काजल के घर में अटैक हुआ है, इसी डेटा हाँ। तो अब तो घर में भी महिला और हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में कहना मेरा ये है कि अगर मान लीजिए सड़कों पे जो होता था, बाहर होता था, वो तो लोग चलो सड़क पे जा रहे हैं, हो गया। लेकिन अगर घर में हम सुरक्षित नहीं, तो हम लोग बाहर कहाँ जाएंगे? जंगल में तो जा नहीं सकते हैं हम लोग। हम लोग को तो घर में ही रहना है, और घर में सुरक्षा तो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है हमारी गवर्नमेंट। तो इस गवर्नमेंट को जो है वो चुनने का क्या फायदा है हमें? ये अपराध जान बच्चे को, अगर किसी को कुछ करने के लिए जाता है तो एसिड और बंदूक लेकर के किसी के घर पर नहीं जाता, तो इसको अपराध ही कहेंगे, कोई जान बच करके गलतियां ना। दूसरी चीज है कि ऐसे आदमी को थोड़ा टीट फॉर टैट वाली सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिर दूसरे के साथ भी, हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए इससे हम कहेंगे कि प्रशासन पूरी तरह से ये जो है दोषी है। जब तक ये इनको दूर नहीं करेंगे तब तक कोई भी आदमी, चाहे वो हमारा भागलपुर नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा इंडिया सुरक्षित नहीं अगर इस तरह की घटना होती है। सर कल तक तो सड़कों पे हमारी बहन बेटियां, माँ बहन सब लोग सुरक्षित नहीं थी, अब तो घर में भी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो आदमी दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा, मौत की सजा दी जाए, जो कि अगला दूसरा कोई दुसाहस ऐसा करने का प्रयास ना करे। मेरा बस यही कहना। मैम आपका कुछ हमारी सरकार से, हमारे प्रशासन जितना संभव हो सके हम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए, ठीक है। स्कूल कॉलेज जिस तरह के जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पे जो है सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और निश्चित रूप से होनी चाहिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं जो है वो होती रहेंगी, ठीक है।